धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा में एयरफोर्स के जहाजों के आवागमन से सेना को ले लद्दाख तक रसद और सैन्य सामग्री हवाई सेवा से ले जाने में सहूलियत मिलेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट पठानकोट के सैन्य कम सिविल एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्मित होगा। इससे सेना और एयरफोर्स के बोइंग जहाजों के साथ साथ निजी एयरलाइंस के बड़े हवाई जहाजों को उड़ान भरने में सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसकी सीमा से सुरक्षित दूरी तथा रणनीतिक स्थान होने के कारण ये पठानकोट एयरपोर्ट के लिए सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में एक विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हो चुकी है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। एयरफोर्स के जहाजों के लैंडिंग के लिए लंबे एयर स्ट्रिप की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भूमि चयनित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बोर्डो और निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति के अलावा विधानसभा में मुख्य सचेतक तथा उप सचेतक के पदों पर जल्द नियुक्ति न होने को लेकर भाजपा नेताओं के बीच नाराजगी की बातों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई नेता नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की मजबूत सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि 44 विधायक भाजपा के हैं और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद आंकड़ा 46 होने से सरकार मजबूत है। उन्होंने कहा कि बोर्डों और निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्ति बरसात के बाद की जाएगी। ऊपर काफी प्रयास भी हुए हैं। अब इसकी मुझे सिर्फ इतना ही कहना इसमें कि पठानकोट जो एयरपोर्ट में एक इंसिडेंट हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद जो है हमारी केंद्र सरकार ने और विशेष तौर से हमारे रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया कि हमको एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में या पठानकोट के नजदीक और करनी चाहिए। और इस बात की मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में उनको उसके लिए उपयुक्त स्थान हमारा जो गग्गल एयरपोर्ट लगता है। जब हम केंद्र में जाकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिलना हुआ हमारा, तो उन्होंने सारे विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा की, टीम भी भेजी, टीम भी यहां से जाकर के रिपोर्ट एक बार दे चुकी है। उन्होंने एक ही बात कही है कि थोड़ी जमीन उनको और चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का जो प्लेन होता है, जो फाइटर प्लेन होता है, वो थोड़ा उसके लिए थोड़ी स्ट्रिप जो है वो एयर स्ट्रिप लंबी चाहिए। और उसके साथ साथ में और भी कुछ चीजों के लेकर के उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो उनका जो सिविल से अलग से होता है, तो उसको भी एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन उपलब्ध करने के लिए कहा है। और उस दिशा में हमने कहा कि आप सारा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप प्रस्तुत करिए और उसके बाद हम उसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस दिशा में कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। सर, हिमाचल में धीरे धीरे आज कोई नहीं, आप लोग देखिए, आप पता नहीं यहाँ ये खबर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई दूसरे दल की खबर तो नहीं लेके आ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ बड़ा साफ जैसा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, मजबूत सरकार है। 44 विधायक बीजेपी के, 2 और निर्दलीय विधायकों का समर्थन, 46 मिलाकर के मजबूत सरकार बनती है और मजबूत सरकार चल रही है। कोई नाराज नहीं है, सब खुश है। अभी थोड़ा बरसात के मौसम के बाद लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी नियुक्ति। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कुछ चीजों को लेकर के कुछ किए हमने, चलते रहते ये सारी नियुक्तियां समय समय पर जो है पार्टी हाईकमान के नेतृत्व में चर्चा करने के पश्चात होती रहेंगी। सर, हमारे ऐसा कोई समय निर्धारित इसके लिए कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण